बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज शुरू करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो नाइन्थ क्लास का बच्चा है वो सिर्फ नाइन्थ क्लास का ही वीडियो देखे, टेंथ का ना देखे, और टेंथ का बच्चा सिर्फ टेंथ का ही देखे, क्योंकि इसी पर आपको काम करना है। जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो वहां पर अगर आप उसका थंबनेल, जो सामने वाला पोस्टर आपको दिखाई देता है, अगर वो आप ध्यान से देखे तो वहां पर टॉपिक के नाम के साथ में क्लास भी मेंशन होता है। तो प्लीज क्लास जरूर कंफर्म कर लें कि आप कौन सी क्लास में हैं और आपको कौन से क्लास का वीडियो देखना है, क्योंकि फिर आपको असाइनमेंट भी तो करना है। अगर आपने सही वीडियो नहीं देखा तो असाइनमेंट कैसे करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स, बेटे बच्चों एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस, सॉलिड और लिक्विड और गैस। बच्चों किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, हर एक सब्सटेंस बना है जिस छोटे पार्टिकल से, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहलाता है एटम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एटम कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली एक्सेप्ट नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। बच्चों सारे के सारे एटम जो होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एटम हैं ऐसे जो नोबल गैस एटम कहलाते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। ये जो नोबल गैस एटम है ये आपको नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन बाकी जो सारे एटम है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, याद रहेगा। अब सवाल ये है कि सर एटम्स जो होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं और नोबल गैस एटम जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट क्यों कर पाते हैं, है ना सवाल? तो आइए देखते हैं। एटम्स आर लीस्ट स्टेबल सो दे टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस टू गिव स्टेबल मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। बच्चों याद रखिएगा कि नेचर के अंदर जो सब्सटेंस, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, कोई भी ऐसी स्पीसीज, इनको कॉमनली क्या बोलते हैं बच्चों? स्पीसीज बोलते हैं, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो या फिर आपका आयन हो। तो बच्चों कुछ भी ऐसा जो स्टेबल है वो ही नेचर में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जो अनस्टेबल है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो होता क्या है कि जो एटम्स होते हैं हमारे वो अनस्टेबल होते हैं, लीस्ट स्टेबल होते हैं, और जो अनस्टेबल या लीस्ट स्टेबल होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये जो एटम्स होते हैं दे इन्वॉल्व, दे टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस टू गिव स्टेबल मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। अब ये अनस्टेबल एटम जो होते हैं ये केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे और अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं स्टेबल मॉलिक्यूल्स में। क्या ये क्लियर है आपको? सर सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है, नोबल गैस एटम क्यों एग्जिस्ट करते हैं? बिकॉज नोबल गैस एटम्स आर स्टेबल इन नेचर, वो स्टेबल होते हैं इसलिए वो एग्जिस्ट करते हैं। अब बात करते हैं सर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स। बच्चों मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, उनके अंदर दो या दो से ज्यादा एटम हो सकते हैं। दे आर स्टेबल सो दे एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। बच्चों मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, अभी डिस्कस किया था आपके साथ। सो जो स्टेबल होगा वो फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। आपको मॉलिक्यूल हमेशा नेचर के अंदर मिलते हैं। बच्चों मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तो बनता है सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। क्लियर हुआ? अब ये कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चों यहां पर एच एच, ये जो लिखा हुआ है गैस, ये इसकी स्टेट है। तो एच एटम गैसियस स्टेट में है, गैसियस फॉर्म में है। ये एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो जब एच एटम केमिकल रिएक्शन में कंबाइन होंगे तो बनेगा H2 गैस, और H2 गैस क्या है? मॉलिक्यूल। अगर आप जाए तो आपको एटमोस्फियर में H2 गैस मिलेगा क्योंकि ये स्टेबल है, एच एटम नहीं मिलेंगे क्योंकि ये अनस्टेबल है। क्लियर?
और देखिए यहां पर Cl गैस एटम प्लस Cl गैस एटम केमिकल रिएक्शन में कंबाइन हो रहा है और बन रहा है हमारा Cl2 गैस मॉलिक्यूल। सर अगर आप सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में Cl2 गैस को फाइंड आउट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये स्टेबल है, मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल इन नेचर। लेकिन ये गैसियस एटम आपको नेचर में नहीं मिल पाएंगे बिकॉज दे आर अनस्टेबल। सर यहां पे देखिए Cl2 मॉलिक्यूल के अंदर आप देख पा रहे हैं दो एटम कंबाइन है, दो Cl कंबाइन है, इसलिए क्या कहलाता है ये ग्रुप ऑफ एटम। यहां में मॉलिक्यूल को देखिए H2 मॉलिक्यूल के अंदर यहां पे आप देख पा रहे हैं टू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहां पर टू H एटम कंबाइन हुए हैं जिससे बना है हमारा H2 मॉलिक्यूल। क्लियर है? वीडियो पॉज कीजिए, एक बार फिर से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। पेन और पेंसिल उठा के रखिए, नोट जरूर करते रहिए। और अब लेते हैं हम लोग डिफरेंसेस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये बच्चों हम लोग बनाते हैं समरी, जो हमने पढ़ा है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में उसको समराइज करते हैं ताकि याद करना और पढ़ना और भी इजी हो जाए। तो हमने अभी दो कॉलम मेंटेन किए हुए, लेफ्ट कॉलम में हमने एटम्स लिया हुआ है, राइट कॉलम में हमने मॉलिक्यूल्स लिया हुआ है। अब फर्स्ट पढ़ लेते हैं, एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। सर किसी भी मैटर का, किसी भी सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम होता है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर ग्रुप ऑफ एटम, हम लोग देख चुके हैं। अब बात करते हैं एटम्स आर लेस स्टेबल सो दे डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली एक्सेप्ट नोबल गैस एटम। सर नोबल गैस एटम को छोड़ के कोई भी एटम जो है वो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि वो लेस स्टेबल होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल सो दे अकर फ्रीली, आपको पता है ये। अब बात करते हैं एटम्स पार्टिसिपेट इन रिएक्शंस टू गिव स्टेबल मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। बच्चों जब ये हमारा एटम्स जो है वो लेस स्टेबल है तो ये अपने आप को कन्वर्ट करेंगे स्टेबल मॉलिक्यूल में बाय मींस ऑफ रिएक्शन। एटम रिएक्शन करते हैं क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, और रिएक्शन करके बनाते हैं स्टेबल मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स ऑल्सो टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट अंडर कंडीशन ओनली। हमारे एटम्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर नॉट स्टेबल, यहाँ पे लिखा है दे आर स्टेबल इन नेचर। ये आपको नेचर में मिल जाएंगे पर एटम्स आपको नेचर में नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं एटम्स easily react in chemical reactions. सर ये highly reactive होते हैं और बहुत जल्दी react करते हैं। अब यहाँ पे लगते हैं molecule में only under conditions they react, ये अपने आप reaction नहीं करते हैं। जैसे nature के अंदर आपका H2 है, O2 है, atmosphere में N2 है, तो वो आपस में reaction नहीं करती है gases जब तक कि आप उनको किसी चैम्बर में लेके कोई उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई ना करो तब तक N2 या O2 या H2 आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि वो कैसे हैं स्टेबल। अब बात करते हैं सिक्स पॉइंट की, दे आर स्फेरिकल इन शेप, इनका शेप हमेशा स्फेरिकल होगा, बॉल के जैसे होते हैं बच्चों ये। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, दे मे बी लीनियर एंगुलर एंड ट्रेंगुलर इन शेप, इनका शेप जो है वो लीनियर भी हो सकता है, एंगुलर यानी कि एंगल वाला भी हो सकता है और ट्रेंगुलर भी हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं हाइड्रोजन क्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के यहाँ पे एटम दिए हुए एच सी एल एन ओ एटसेट्रा, लेकिन मॉलिक्यूल का देखिए यहाँ पे एच टू सी एल टू एन टू ओ टू एच टू ओ, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिंगल एटम है लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम है। सर दो या दो से ज्यादा एटम है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे वॉटर के अंदर तीन एटम है, दो एच के और एक ओ के, ये कंबाइन होते हैं तब जाके बनता है हमारा मॉलिक्यूल। तो ये एग्जाम्पल्स देखिए आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार पॉज कीजिए, फिर से देखिए, पेन पेंसिल उठा के रखिए अपने पास में, होगा क्लियर है। बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, और जल्दी आपको असाइनमेंट भी मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।